कब आए थे वापस आप? मैं शाम में सात बजे कुछ आया शाम में, रात में 7 बजे आया। नहीं हाँ, अभी सात अब मगरिब के टाइम आए। हाँ सर, कहाँ गए, क्यों गए थे? बहन के पास गया था, कभी आते जाते मतलब कतर से आना में थोड़ा घर पे बैठे आने के बाद पूरे दरवाजे खुले थे। कौन से दरवाजे खुले? पूरे दरवाजे खुले, मेडल में खुला था। अच्छा, मेन डोर खुला था, खाली पर्दा डाल के था। अच्छा, और दरवाजा बंद था। ओके, हाँ तो अंदर सो रहे होंगे ना, मैं क्या करा मालूम है, छत पे गया कि कुछ फायदा करा, फिर क्या करा। आपका कमरा कहाँ पर है जहाँ अंदर एंट्रेंस हुआ आप? मेरा कमरा इधर है। तो उन्होंने कहाँ फांसी लिए? वो अंदर के अलमारी के अंदर के रूम में, अंदर के बेडरूम में। आपके बेडरूम में लिए? नहीं, दूसरा रूम है और एक खाली स्टोर रूम के अंदर ले लिए। अच्छा, वहाँ पर फांसी किससे लिए फांसी उन्होंने? वो एक ड्रम है। हाँ, ड्रम ड्रम है वो, और वंडी से ठहर के करके लिए। ओढ़नी है क्या, रस्सी है क्या है? वंडी से लिए। आप क्या करे फिर? मैं देखो ऐसा नहीं पूरे बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, मैं जाके आया था। क्या नहीं पूरे, दरवाजा बंद था अंदर से? अंदर से बंद था। कौन दरवाजा बंद था? जिस रूम में उन्होंने फांसी लिए वो रूम बंद था अंदर से। बंद था। ओके, फिर बिल्कुल खोलो, फोन भी करा मैं। अच्छा, वो टूटा हुआ फोन था जी, हाँ सैमसंग पे फोन आ करा उस पर, बोले बिल्कुल खोलो, बोलते नहीं आवाज नहीं आई, तो मेरे चीज झांकी देखा, अच्छा ठहरे से लगे मेरे को। कहाँ से? नीचे से? सामने से झांकी? हाँ, ठहरे से लगी मेरे को, दरवाजे की शान से झांकी देखा, मैं ठहरे से देखे रहता हूँ ऐसे जी, अगर ठहरे के मजाक करे क्या जी, मैं मारा धड़ धड़ आवाज को मारा, मैं तो नहीं खोले, नहीं खोले। तो हुआ क्या फिर? दरवाजा तोड़ के निकाला मैं। दरवाजा तोड़े का क्या देखा? दरवाजा फांसी लगी थी। फांसी लगी हुई थी। अच्छा, फांसी लगी हुई थी, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ऐसा बहरे में सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं निकाल के नहीं खुला था, चारों से कट करके नीचे निकाल के उनके यहाँ से खोला यहाँ पे मैं। अच्छा, वो हंडी खोला उनके मैं नीचे वो जब कोई भी नहीं तो रो रहा कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफसोस सद अफसोस, एक वाकया महबूब कॉलोनी में अभी कुछ देर पहले हुआ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, अभी मेरे को एक इतला मिली कि महबूब कॉलोनी में एक लड़की, उसका नाम बिलकिस बेगम है और वो लोग कर्नाटक के हैं, महबूब कॉलोनी के अंदर बशीर साहब के घर में किराए से उतरे हुए हैं दोनों। ये लड़का और लड़की दोनों भी कर्नाटक से है। कुछ देर पहले इतला मिलने पर हम लोग जाकर देखे बस्ती वाले मेरे साथ मुसाब भाई है, हमारे इलियास वगैरह, हमारे बस्ती के नौजवान पूरे बस्ती के अब्दुल रहीम, ये सब मिलकर जो है ना यहाँ पर देखे कि यह फांसी लिए बच्ची, एक फांसी लेकर उसका इंतकाल हो गया बच्ची का। तब जब लड़के से हम लोग की दरियाफ़ किए किस तरीके से इंतकाल हुआ, तो बोले कि सुबह मामूली छोटी सी बात के ऊपर मोबाइल के ताल्लुक से दोनों में शायद पहले से कुछ ना कुछ मसले मसाइल होंगे, लेकिन अभी जो हमको इतला मिली लड़के से बात करने पर कि लड़का वाला कोई छोटी सी बात, खाली मेरी उनकी बहस हुई, मोबाइल था आईफोन, वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे जिसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए, तो बोला कि फ़ोन कैसा इस्तेमाल करना आपको नहीं मालूम, ये भारी फ़ोन है। उस दौरान में दोनों की मियाँ बीवी की बहस हुई, उसके बाद लड़का जो है ना घर से निकल गया, निकल कर अपनी बहन कन चले गया। जाने के बाद सुबह में ये वाकया हुआ। उसके बाद फिर लड़का जो है ना वापस मगरिब के टाइम आया, तो बोला दरवाजे खुले हुए थे और एक लास्ट का रूम है जिसके अंदर वो लड़की जो है ना फांसी डाल ली थी। मैं खटका मार रहा हूँ तो दरवाज़ा नहीं खो रहे थे, दरवाज़ा तोड़कर, लड़के का नाम सईद है, सईद पटेल, कर्नाटक से है वो लड़का। अब ये बता रहा, उसके बयानी ये है कि लड़के की कि वो बोलता है कि मैं दरवाजे पर खटका मारा, दरवाज़ा नहीं खुलने की सूरत में दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया। वो अंदर जाके देखा तो क्या, लड़की फांसी ली हुई थी ओढ़नी से, ड्रम नीचे रखा हुआ है कुछ जिस तरीके से बता रहा बच्चा, उसकी बयानी है ये। ऐसा ये वाकया गुजरा हमारे एरिया के अंदर, बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है, बहुत हमारे एरिया के अंदर बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ ये, हम इसकी सख्त मसम्मत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बच्चियों में अल्लाह ताला हिदायत दे, और ऐसी चीज़ों से हम बहुत एहतियात करना है कि लड़की मियाँ बीवी में मोहब्बत होना चाहिए। शादी होकर सिर्फ एक साल हुआ ये, एक साल के बाद गाँव में शादी हुई, कोई मन्ना खेली गाँव है वहाँ से शादी होकर ये लोग यहाँ पर आए, और उनके सास ससुरे साथ रहते, लेकिन इत्तेफाक से कहीं सास भी नहीं थे मकान में और ससुरे भी नहीं थे, लड़की अकेली थी। छोटी सी बात पर लड़की फांसी लेकर अपनी जान दे दी, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे लड़की को। और ये क्या सही है क्या गलत है, लड़की की बयानी ये है, लड़की वाले भी गांव से आना बाकी है, ये वाकया हो गुज़रा है, हम इसकी मजम्मत सख्त मजम्मत करते हैं। और तमाम एक मैसेज देना चाह रहा हूँ तमाम माँ लड़कियों को, वो कि ऐसे छोटे से मसले मसाइल के अंदर अपनी जान ना दें, फेस करें, कुछ मसले मसाइल है तो वालिदैन को बुलाकर बात करें, कुछ भी मने मसले का हल निकलता, लेकिन फांसी लेना जान देना ये हल नहीं है। अल्लाह हम तमाम उम्मत के बच्चियों की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।